होमीज आज है 9 अप्रैल और आज फाइनली डीमन स्लेयर सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आ गया है। जैसे एओटी का सीजन 4 का पार्ट 3 का पार्ट 1, एओटी का लेटेस्ट एपिसोड खत्म। जैसे वो एक परफेक्ट एपिसोड था इन अ वे की एक एनिमे वापस आ रहा है एक साल बाद तो सब कुछ कवर कर देना, सेम हमारा डीमन स्लेयर सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड भी था। ऑल्दो ये एपिसोड हम देख रहे थे जब लास्ट में डीमन स्लेयर की मूवी आई थी, काफी बड़े एक्सपीरियंस था वैसे वो, आसपास वीप्स ही वीप्स चिल्ला रहे हैं। मैंने इस वीडियो के अंदर उस मूवी के बारे में बात करी थी और वो मूवी थी एपिसोड है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो उस मूवी के अंदर एपिसोड ही था। डीमन स्लेयर वालों ये चीटिंग है, पर काफी लोग वो मूवी नहीं देख पाए। पर आज हम डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 1 के बारे में बात करेंगे, बट वो मेन अट्रैक्शन नहीं रहने वाला आज की वीडियो को लेके। मेन अटेंशन रहने वाले है कि क्या हुआ था डीमन स्लेयर सीजन 2 का लास्ट एपिसोड से लेके डीमन स्लेयर सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के बीच में, मतलब उसके बीच में क्या हुआ एक्चुअली में, और तांजिरो का ड्रीम भी जो बहुत लोग नहीं समझ पाए। और सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड के अंदर मैंने कुछ चीजें नोटिस करी जो मैं बात नहीं कर पाया मूवी के टाइम पे, पर मैंने ध्यान से देखा तो हाँ मेरे पास बहुत कुछ बात करने को। तो डीमन स्लेयर सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हुआ था, हमने उसमें डाक की सच्चाई देखी थी। नहीं नहीं तुम्हारी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, पर मैं लास्ट एपिसोड में देखा था कि डाकी वो कर्सिंग ग्योतारो कि वो उसे नहीं बचा पाया। डाकी वो सेइंग कि तू मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तू अगली है, जो कि ग्योतारो है, ही नो वो अगली है, इवन वी नो वो अगली है, बट बीइंग अ चाइल्ड आई हैव टू डिफेंड अनदर चाइल्ड। ग्योतारो चाहे लुक्स में अगली हो बट ही वाज अ ट्रू वॉरियर, ही नोस कि वो कूल लुकिंग नहीं है बट कॉम्बैट के अंदर ही वाज अबव द लेवल। उसने वुंड्स के होते हुए भी एक टॉप क्लास समुराय को बीच में से काट दिया था जब उस समुराय ने डाकी को जला दिया था। पर मेन पॉइंट ये है कि ग्योतारो वाज प्राउड ऑफ हर सिस्टर्स ब्यूटी। ग्योतारो ने अपनी बहन को टॉप पे रखा कि तू फेस बनेगी हमारा और मैं सब कुछ हैंडल करूंगा। सो या गाइस, ग्योतारो वाजंट अगली, डाकी वाज अगली एंड यूजलेस, लिटरली कोई काम नहीं आई वो। मुजा ने भी लेटेस्ट एपिसोड अंदर यही बोला कि ग्योतारो की हर डाकी वजह से ही हुई। नहीं नहीं सॉरी, एक जगह काम आई एक्चुअली में, वो बेड में। जो लोग अब तक नहीं समझे, एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट वॉज दिस प्लेस एक्चुअली में, एंड इफ यू रिमेम्बर टेनगन ने अपने तीनों बीवियों को यहीं पे रखा हुआ था, मतलब एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही डीमंस का इंटेल निकालने के लिए। हाँ तुम सही समझ रहे हो, जहाँ पे टेनगन इन छोटी बच्चों के साथ मजे ले रहा था, कोई उसी बीवी के साथ मजे ले रहा था। खैर ये छोड़ो, टेनगन का इंटरनल मामला है, वो डिसाइड कर लेगा कि वो बाप बनेगा चाचा बनेगा अपनी बीवी से। पर हाँ सीजन 2 के लास्ट एपिसोड के अंदर सब टूटे फूटे थे एक्सेप्ट फॉर नेजुको, डीमन होने के फायदे, बट यप एवरीवन वाज अलाइव, नॉट फाइन बट अलाइव। जहाँ सीजन 2 खत्म और सीजन 3 स्टार्ट, जहाँ पे आकाशा खुद को इन्फिनिट कैसल के अंदर पाता है, और ये चीज नॉर्मल नहीं है। जब भी कोई लोअर मून जो अब नहीं रहे मरता था तो और सारे लोअर मून आते थे, बट अब मुजान ने एट दैट एवरीवन करके डिस्कॉर्ड की तरह सारे अपर मून को बुला लिया। इस बार अपर मून समन हुए, मतलब कोई और अपर मून मरा है। और कुछ चीज मेरे को इन्फिनिट कैसल के बारे में मांगा से बड़े पता चली, लाइक ये वीडियो बनाने के लिए मैंने सीजन 2 के कुछ लास्ट एपिसोड मैंने मांगा से पढ़े, और सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड मैंने मांगा से पढ़ा कि क्या सब है, उसे आगे नहीं पढ़ा, मुझे स्पॉइल नहीं करना यानी मैं डीमन स्लेयर का एनिमे देखे खुश हूं, मुझे मांगा नहीं पढ़नी उसके अभी। तो हाँ अब कुछ बात है इन्फर्ट कैसल के बारे में। इंटरेस्टिंग चीज, जो डीमन इन्फर्ट कैसल को मैनेजर कंट्रोल करता है वो इस टाइम करती है वो इस टाइम कोई रैंक भी होल्ड नहीं करती। आई थॉट कुछ तो होगी बट नहीं, अगेन अभी कोई रैंक नहीं है उसकी। और ये कैसल एक अलग ही डायमेंशन के अंदर लोकेटेड है, मतलब रियल वर्ल्ड से बिल्कुल सेपरेट डायमेंशन के अंदर। और ये कैसल काइंड ऑफ देख के ट्रेडिशनल जापानीज कैसल जैसा लगता है, जहाँ पे तुम्हारा दिमाग और फिजिक्स बिल्कुल नहीं चलने वाले। इसका इंटीरियर है इतना वियर्ड, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं इस बारे में और जानना चाहूंगा। खैर मुजान ने सारे अपर मून को समन कराया क्योंकि 113 साल बाद जाके एक अपर मून डिफीट हुआ है थैंक्स टू डाकी यूजलेस शिट। फिर आकाशा सारे और अपर मून से मिलता है, मतलब मिलना पड़ता है उसको। एक अपर मून साला मटके में रहता है, उसके मुंह की जगह आंख है, आंख की जगह मुंह है। डीमंस के डिजाइन देखो तुम, अपना कोकोशी वो इतना बैडएस लुक देता है वो। अपर मून 2 डोमा इतना देख के कोल्ड कैरेक्टर लगता है वो, और ये मजाक है, ये फर्स्ट डीमन है इसके पास रियल लाइफ टैलेंट है, क्योंकि ये एक टाइम पे 2 लोगों का और एक और डीमन जो बिना बात पे डरा हुआ है। और इसके सर पे कुछ गोला टाइप है, जैसा शिनचान के सर पे आता था जब मित्सी उसकी माँ सर फोड़ देती उसका। एक सेकंड, कहीं शिनचान की माँ मित्सी तो मुजान नहीं? खैर मैं दोनों का मजाक तो बना रहा हूँ, बट आई नो कि ये दोनों ही डीमन स्लेयर 3 के मेन एंटागनिस्ट होने वाले हैं। सो लेट्स सी ये मैच अंदर क्या लाने वाले हैं। और फिर आता है अपना डोमा, बेस्ट डीमन, लिटरली बेस्ट डीमन। ये नहीं करता पार्शियलिटी छोड़ो, ये अटैक ही लड़कियों पे करता है। ही नोज हिज गोल इज द होल। मजाक कर रहा हूँ, ये बहुत बेकार डीमन, ये अटैक ही लड़कियों पे करता है, स्पेशली प्रेग्नेंट या यंग लड़की पे अटैक करता है। फिर वही सीन जहाँ आकाशा डोमा का मुंह तोड़ देता है, एंड डोमा भी लाइक चिल कर छोटे। फिर आता है हमारा मुजान जो गुस्से में है, नॉट बिकॉज ही ग्योतारो हार गया बट बिकॉज ऑफ दो रीजंस जो मुझे मांगा पड़े पता चले, मतलब एग्जैक्टली मांगा नहीं बट मांगा पड़ते मैंने समझा कुछ। नंबर 1, अपर मून ना तो जिंदा क्यों है, ना वो ब्लू स्वेटर लीड ढूंढ पा रहे थे हमारे म्यूजन क्योर होएगा, उसको क्योर होना है, उसको सनलाइट में जाना है, और नहीं अपर मून हाशिरा को मार पा रहे, पहला रीजन तो ये। और दूसरा, ही हेट चेंजेस, मुजान वांट्स टू बिकम इमॉर्टल, ही डजंट लाइक चेंजेस, ही डजंट लाइक डेथ, उसे बनना है इमॉर्टल इसी स्टेट के अंदर। और जैसे हमारा ग्योतारो मारा है, एक अपर मून कम हो गया तो लिस्ट चेंज होगी, तो इसलिए चेंजेस नहीं पसंद। और तभी हमारा वाला डीमन बोलता है, मुजान बाबू हमें कुछ इंटेल मालूम है, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। एंड मुजान लाइक
गार्ड निकालो, चाबी निकालो, दोनों दोनों निकलो तुम। मुसान गोगो के साथ इस फट्टू को भेज देता है। आई हैव नो क्लू फट्टू क्या करने वाला है, इतना मुझे लगता है कुछ तो पुल आउट करने वाला है जो कि नहीं एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यूजुअली एनिमे के अंदर ऐसा ही होता है, जो दिखता है ज्यादा शांत है वही खतरनाक निकल जाता है। और फिर डोमा रिक्वेस्ट करता है कि हमें बता दे, हम भी चलेंगे तुम्हारी हेल्प कर देंगे। एंड आकाश लाइक साले मुजान बाबू के ऑर्डर पे सवाल करता है तू, और आकाश डोमा का सर उड़ा देता है। अब इस बात से डोमा को दिक्कत नहीं है, पर इस बात से इस इंसान को दिक्कत है। अगले सीन के अंदर आकाजा का हाथ नहीं होता, आकाजा को पता भी नहीं लगता कि कब में कोकोशिबू ने उसका हाथ काट दिया। अब हमारे अपर मून मैन को क्या दिक्कत है? देखो कोकोशिबू को नहीं पसंद कि आकाजा डोमा की बेइज्जती करे, क्योंकि बेसिकली डोमा उसे ऊपर बैठता है रैंकिंग के अंदर। कोकोशिबू वांट्स टू मेंटेन द हायरार्की। हमारे डीमन का सीजन खत्म हो जाता है और फिर आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन डीमन स्लेयर सीजन 3 के अंदर, तांजिरो का सपना, जो मैं गारंटी से कह रहा हूँ 90% लोग नहीं समझ पाए। तांजिरो के सपने के अंदर एक बंदा होता है जिसको देख के मैं नहीं पहचान पाया कि कौन है। मैंने थोड़ा ढूंढा और एनालाइज करा तो पता लगा कि ओ ये तो फर्स्ट ब्रीदिंग वाला लौंडा है, जोरिची। और तांजिरो जो सपने में देख रहा ना, ये एक्चुअली में 500 साल पहले की चीज है। फिर योरिची के साइड में आके तांजिरो बैठता है। तुमको लगा तांजिरो, तुमको लगा ना तांजिरो? जैसे मैंने बताया ये सीन एक्चुअली में 500 साल पहले का, तो ऑफकोर्स तांजिरो नहीं है। इनफैक्ट जब मैं मूवी देख रहा था मैं पहचान नहीं पाता कि तांजिरो है या तांजिरो नहीं है, क्योंकि लिटरली तांजिरो लग रहा है वो। बट सब कट गया क्योंकि तांजिरो ने ये सुमियोशी है जो तांजिरो का डायरेक्ट इंसेस्टर रहा है। यहाँ पे योरिची बोलता है कि मैं एक फेलियर हूँ क्योंकि मैं अब तक वो काम नहीं कर पाया इस लाइफ के अंदर जो मुझे अब तक कर देना चाहिए था। योरिची इज द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ डिसिप्लिन। लाइक उसने कितना कुछ अचीव कर लिया अब तक, बट सिर्फ जो उसका मेन गोल है जब तक वो नहीं हुआ वो नहीं रुकने वाला। बट वही हमारा सुमियोशी बोलता है कि ऐसा नहीं है। वो योरिची की तारीफ करता है जो कि उसके लायक भी है। वो बोलता है मैं एक आम कोयला बेचने वाला इंसान हूँ, बट मैं आपकी टेक्निक जो है डांस ऑफ फायर गॉड वो मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा, मेरा बच्चा अपने बच्चों से आएगा, ताकि आपकी टेक्निक मेरे हायरार्की के अंदर मेरी फैमिली के अंदर चलती रहे, काइंड ऑफ रिस्पेक्ट देने के लिए। एंड इफ यू आर वंडरिंग डांस ऑफ फायर गॉड क्या है, ये बेसिकली सन ब्रीदिंग है जो तांजिरो ने अनइंटेंशनली यूज कर दी थी गोतारो पे। और तांजिरो को ये ड्रीम इतना ही था, पर इसके अंदर बहुत कुछ पता चला मेरे को। मतलब योरिची लाइक जो काम है वो करना है साला। ये ड्रीम ओवर और तांजिरो उठता है फिर, और उसे पता लगता है कि वो 2 महीने से बेड में था। उसे पता लगता है कि ज़ेनित्सु जा भी चुका है मिशन पे। उसके बाद लोग आ जाते हैं कि ये फाइनली उठ गया हमारा हीरो। और तांजिरो जैसे ऊपर देखता है वो देखता है डेमन स्लेयर यूनिवर्स का स्पाइडरमैन इनोस्के। हमारे जंगली भेड़े की हरकतें कभी बंद नहीं होंगी, दैट्स व्हाई ये बहुत फनी कैरेक्टर है। और कुछ टाइम ये भी चला आता है मिशन पे। और लास्ट बचा है हमारा तांजिरो जो कि वेट कर रहा है उसकी नई स्वॉर्ड का आने का। और फाइनली आते हैं बहुत सारे गालियों भरे लेटर्स तांजिरो के लिए। एक्चुअली तांजिरो ने डिमांड करी होती है एक नई स्वॉर्ड, क्योंकि गोतारी फाइट के अंदर वो डैमेज हो गई थी, पर जो उसके लिए स्वॉर्ड बनाता है वो गुस्सा हो जाता है कि तू स्वॉर्ड की रिस्पेक्ट नहीं करता, तेरे को स्वॉर्ड नहीं देने वाला मैं। तो तांजिरो के पास लास्ट ऑप्शन यही है कि जहाँ पे स्वॉर्ड्स बनती है डीमन स्लेयर्स के लिए वो वहाँ पे ही जाए। और यहाँ से शुरू होती है हमारी मेन सीजन 3 स्वॉर्ड्समिथ विलेज की आग। और सबसे मेन चीज जो मैं मूवी देखते हुए बड़ा हैरान हो गया था कि स्वॉर्ड्समिथ विलेज एक बहुत ज्यादा सीक्रेट विलेज है। इवन तांजिरो को जहाँ पे लेके जा रहा था उसके आंख पे पट्टी और नाक में भी कुछ घुसा देता है कि सूंघ भी ना पाए वो। मतलब वो इतनी सीक्रेट जगह है कि तांजिरो जैसे ट्रस्टेड डीमन स्लेयर पे भी उन्हें भरोसा नहीं है। खैर रूल्स आर रूल्स और वो सबके लिए सेम है। काश ऐसा इंडिया के अंदर भी होता। हाँ ये एक लौंडा कह रहा है जो जनरल से बिलोंग करता है। खैर छोड़ो मेरे तो बीटेक भी हो चुका है, मैं क्या ही रूम बैठ किसी को ले। पना फेटी तो नहीं है, बहुत सारे लोग नकली सर्टिफिकेट बना लेते हैं। खैर ये छोड़ो, पर हम बात कर रहे थे स्वॉर्ड्समिथ विलेज के बारे में जो इतना सीक्रेट क्यों है। वो इतना सीक्रेट प्लेस क्यों है ये मत पूछो, ये पूछो कि वो इतना सीक्रेट प्लेस क्यों नहीं होना चाहिए। भैया यहाँ पे ऐसी चीजें बनती है जो डीमंस को मारने के लिए काम आती है, स्वॉर्ड्स या कटानास। खैर वो तो मेरी जो की बान का ही है। I love that sword. तुम खुश हो डीमन को पता लग जाए हमारे मारने का उधर कहाँ बनता है। सबसे पहले उधर मुजान पहुंचेगा। तांजिरो फाइनली वहाँ पहुंचता है और वहाँ पहुंचते पता लगता है यहाँ पे लव हाशिरा मित्सुरी भी है और कुछ सीन्स भी आते हैं। फिर लिटरली 2 सीन की वजह से ना ये मूवी थिएटर के अंदर ए रेटेड हो गई थी 18+। कोई मतलब नहीं इस चीज का। रणबीर कपूर की रिसेंटली मूवी आई तू झूठी मैं मकार, जिसके अंदर चुम्मा चाटी से लेके बैठ कर जाते हर चीज है, और वो लोग फैमिली के साथ जा रहे हैं देखने, पर हम वीप्स बड़े स्क्रीन पे मित्सुरी के ऐस नहीं देख सकते। पीवीआर चीटिंग है। खैर मित्सुरी के 2 या 3 सीन थे जिसमें कुछ ज्यादा था भी नहीं, पर हाँ एक सीन ये वाला और तुम लोग सुनो जब मैं थिएटर के अंदर सीन देख रहा था मैंने क्या बोला था। मैं साला क्यों छुपा रहा है। फिर वहाँ पे थोड़े चिल सीन आते हैं, पर मैं कंफ्यूज हूँ कि तांजिरो और नेजुको सेम बात तब में क्यों है, इनका भाई बहन का प्यार ज्यादा बढ़ रहा है। हेलो ज़ेनित्सु। और एंड में हम देखते हैं कि तांजिरो मिस हाशिरा को देख लेता है जो कि एक बच्चे से कुछ मांग रहा है, बच्चा नहीं दे रहा है। वी हैव नो क्लू कि वो क्या मांग रहा है और बच्चा क्यों नहीं दे रहा है, वो नेक्स्ट एपिसोड में पता लगेगा हमको। और ये भाई सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड खत्म। वेल ये वीडियो इतनी थी। मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ जगह काफी डीपली बात करा जो नीड भी था, पर मेन हाईलाइट इस एपिसोड की थी मित्सुरी। मैं कह रहा हूँ मित्सुरी 2-3 बार और ना तू, हमको ऐसे सीन और नहीं चाहिए। बेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड वॉज कोकोशिबोस फेस रिवील। वह तुमने शर्ट का फ्रंट तो देख लिया पर बैक देखा। सो होम इज एवरीवन दिस हैज आवर चैनल होप एंजॉयड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय। मेरी एयर ब्रीदिंग में दिक्कत हो गई।